इनफिनिको कंपनी की सफलता की कहानी। भारतीय बाजार में हर दिन कई तरह के प्रोडक्ट्स आते जाते रहते हैं, पर आज भी बहुत से ब्रांड ऐसे हैं जो सदियों से हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इन्हीं ब्रांड्स में से एक हम सबका चहेता ब्रांड वीको भी है। आप सबने वीको का ये जिंगल, वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, जरूर सुना होगा। जिन लोगों ने टीवी देखा होगा उन लोगों ने ये विज्ञापन जरूर देखा होगा। आज भी वीको के उत्पाद बाजार में देखने को मिलते हैं। वीको एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी की वजह से आज भी बाजार में जगह बनाए हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका बाजार सिर्फ भारत में सीमित नहीं है, बल्कि कई बार एक्सपोर्ट के लिए भी ये कंपनी कई अवार्ड जीत चुकी है। ये आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रही है। वीको कंपनी 500 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत ही छोटी थी। वीको की शुरुआत एक टूथ पाउडर से हुई थी और आज इसके कई उत्पाद हैं, जिसमें वीको वज्रदंती, वीको टर्मरिक क्रीम, वीको फॉर्म बेस्ड, वीको टर्मरिक फेस वॉश आदि कई प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी दुकान से खड़ा किया गया वीको का करोड़ों का व्यापार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। वीको कंपनी की शुरुआत बड़ी दिलचस्प है। दरअसल कंपनी के संस्थापक केशव पिंडारकर को इसे शुरू करने का विचार तब आया जब वो एक दिन अपनी किराने की दुकान में बैठे हुए थे। केशव पिंडारकर उस समय 55 साल के थे और उस समय उन्होंने ये साहसिक फैसला लिया कि वो अपनी किराने की दुकान को बंद करके एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत करेंगे। केशव पिंडारकर ने इस काम की शुरुआत करने के लिए अपने एक रिश्तेदार की मदद ली, जिनके पास तब आयुर्वेद की डिग्री थी। पहले प्रोडक्ट के तौर पर कंपनी ने दांतों की सफाई के लिए पाउडर का निर्माण करना शुरू किया। इस प्रोडक्ट को केशव पिंडारकर के बच्चे खुद घर घर जाकर बेचने का काम किया करते थे। जल्द ही इस प्रोडक्ट ने लोगों के बीच अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी और कंपनी की ग्रोथ में भी तेजी नजर आने लगी। साल 1971 में जब केशव पिंडारकर का निधन हो गया, तब कंपनी की जिम्मेदारी उनके बेटे गजानन पिंडारकर ने संभाली। वीको एक ब्रांड के तौर पर महाराष्ट्र के साथ ही आसपास के राज्यों में भी पसंद किया जा रहा है। कंपनी ने इस दौरान स्किन क्रीम और टूथपेस्ट का निर्माण करना भी शुरू कर दिया। इन सब के बीच एक विज्ञापन जिसने कंपनी को घर घर पहुंचा दिया। वीको का विज्ञापन इतना मशहूर हुआ कि हर घर में लोग इसे पसंद करने लगे। बच्चों की जबान पर यह विज्ञापन आ गया। अभी तक लोग इस विज्ञापन को नहीं भूले हैं। कंपनी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता उसके व्यापार को भी तेजी से ऊपर ले जाने का काम कर रही थी। साल 1994 में कंपनी ने 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर को भी पहली बार पार कर लिया। मालूम हो कि नागपुर में अपना पहला प्लांट स्थापित करने वाली कंपनी वीको आज महाराष्ट्र और गोवा में कई फैक्ट्रियों को चला रही है। भारत के घर घर में पहचान बनाने वाली इस कंपनी ने अपने 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को 45 से भी ज्यादा देशों तक पहुंचाने का काम किया है। आपको बता दें कि कंपनी की शुरुआत करने वाले पिंडारकर परिवार के 35 सदस्य आज भी कंपनी में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जिसमें परिवार की महिला सदस्य भी शामिल हैं। कंपनी अब साल 2025 तक अपने उत्पादों को 50 से अधिक देशों तक लेकर जाना चाहती है। कड़ी मेहनत करने से ही मनुष्य अपने भविष्य को संवार सकता है। जब लोग अपने जीवन में कामयाब होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, वो कड़ी मेहनत की वजह से ही संभव होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।